वेलकम टू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों नई सुबह नए दिन की शुरुआत के साथ हम लोग श्रीनगर शहर से आज निकलेंगे ऋषिकेश की ओर। रात को बारिश हो गई थी और हम लोग लेट हो चुके थे, जिसकी वजह से हमें इस गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, होटल हैप्पी होम। तो बोलो शंकर महाराज की जय। तो दोस्तों होटल से चेकआउट हमने कर लिया है अपने, तो टाइम अभी हो गए हैं 10:45 और अभी हम लोग 1 घंटा लेट है। अगर तो अब हम लोग चाय पियेंगे, थोड़ा एक्टिव होंगे, देन हम लोग ऋषिकेश पहुंचेंगे जल्द से जल्द। आपको मिलते हैं चाय की दुकान पे। जय श्री राम। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपनी चाय के ठिकाने पे। जैसे कि अब टाइम हुआ है 11:30, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ड्राइव करा है हमने। तो हमारे इस ढाबे से एक बहुत ही प्यारा व्यू और एक जो लोकेशन बैठने की बनाई गई है, वो मेरे सब हम साथी यहाँ बैठे हुए हैं यहीं इसके इसके साथ में। ये भैया कौन सी नदी आ रही साथ में, ये वाली कौन सी है? ये अलकनंदा की भागीरथी है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये भागीरथी है, दूसरी साइड से जो आएगी वो अलकनंदा होगी। तो उनका संगम जिस जगह पे होता है, वो मिलती जहाँ पे है, उसको बोलते हैं देवप्रयाग, जगह का नाम। अभी हम लोग खाना खा के ब्रेकफास्ट करके, तो यहाँ से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि चाय पी रहे हैं? ब्रेकफास्ट करके ही प्रॉपर। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। दोस्तों फाइनली हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, पार्क नहीं की वैसे से रोड साइड पे खड़ी करी हैं, जो गलत बात तो है, तो बट हमको शाम को जल्दी निकलना है, इसलिए हमने थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश करी है। बट लगी बिल्कुल साइड पे, किसी को दिक्कत तो नहीं होने वाली। और अब हम लोग पहुँचे हैं ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला आगे रास्ते में आएगा। ऋषिकेश में हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम जाएंगे सीधे परमार्थ निकेतन, जहाँ पे हमने शाम को आरती करनी है। ये आरती के चक्कर में ही हमने सारा जो जल्दी जल्दी करा है, क्योंकि जो आरती का नज़ारा है ना परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का, वो नज़ारा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार रहता है। बने रहिए उस नज़ारे को देखने के लिए। दोस्तों हमने जहाँ गाड़ी पार्क की वहाँ से हमने पकड़ लिया है अपना ऑटो, टेम्पू पकड़ लिया है। और अब लोग जाएंगे अभी ऐसा कहाँ जानकी झूला कहाँ तारीख। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे भरत जी के मंदिर में सबसे पहले, वहाँ से हमें उतारेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पैदल घूमेंगे, सारी मार्केट दिखाएंगे आपको। अच्छी चीज खाने को क्या है सबसे अच्छी चीज, जिसे आनंद हो जाए, मतलब आनंद आप ना घोड़े कार। क्या नाम है? चोटी वाले यहाँ जाना, चोटी वाला, चोटी वाला है। में ही पहले पड़ता है श्री शत्रुघ्न जी का मंदिर। तो ये यहाँ से आते ही रोड पे रामजुला से एंटर करते ही थोड़ी दूरी पे आपको मिल जाएगा बाएं हाथ पे। तो दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं शत्रुघ्न जी का मंदिर। हनुमान जी की प्रतिमा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मुझे लगी, ये जो आप कागज़ का हार देख रहे हैं इस पे बनाया हुआ, सब पे राम 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 लिखा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर, भव्य मंदिर श्री शत्रुघ्न जी का। तो दोस्तों ये रहा हमारा रामजुला। तो आप देख ही सकते हैं कितना मतलब विशाल ये ब्रिज है। आप इसके चलेंगे, चलो इस पे चलोगे तो आपको ये पुल हिलता हुआ महसूस होगा कि हिल रहा है, असल में हिलता ही है, आप देख सकते हैं ये ऊपर से ये हिल रहा है। तो ये गंगा जी के ऊपर से हम लोग जाते हुए, अगर किसी को बोट वगैरह से जाना हो तो उस बोट के द्वारा भी वो घाट पे, उस घाट से इस घाट पे चेंज कर लेते हैं, आ जाया जा सकता है। तो वो रहे भगवान शिव जी, जहाँ पे परमार्थ निकेतन, जहाँ पे हमने आरती करनी है ये सामने। तो फिलहाल हम लोग को ये पूरी मार्केट, इस पूरे ऋषिकेश के दर्शन आप लोग मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप करोगे, मैं आपको
गंगा किनारे ऋषिकेश में, वहाँ भी देखिए नहा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर घाट पे जाओ तो रश रहता है, इसलिए लोग अपने अपने जो टूरिस्ट हैं वो साइड साइड पे जाके देखिए, वहाँ रश भी नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे लेके जाके। यहाँ से राम झूला ख़त्म होते ही ये आपको प्रकाश जी महाराज जी का आश्रम है, तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है हल्का सा और आगे आपको दिख जाएगा परमात्म केतन आरती। यहाँ पे मुख्य बाजार, यहाँ पे नीलकंठ पैदल मार्ग, यहाँ पे जानकी सेतु अद्भुत पुल भी, जानकी पुल भी इस साइड है। अब आप सामने देखेंगे गीता प्रेस वालों की जो वस्त्र भंडार, मतलब उनकी दुकानें गीता प्रेस वालों की, अब हम लोग पहले वहाँ जाएंगे। तो ये रही गीता भवन वालों की मिठाई की दुकान, ये देख सकते हैं सब शुद्ध की देसी घी की मिठाइयाँ हैं। आप जो भी ऑर्डर करेंगे, एक रसगुल्ला 20 रुपये का, 320 रुपये के गुलाब जामुन, 40 की बालूशाही, सबके रेट बनाए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग डिसाइड करके क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। आपको सामान खरीदने से पहले यहाँ पे आपको कूपन काटना पड़वाएगा, कूपन काटते ही आपको यहाँ से यहाँ पे कूपन देंगे और आपको ऑर्डर मिलेगा, जैसे हमारे वहाँ पे पहलवान वगैरह यहाँ पे जैसे सब जगह होता है। बट ये चीज़ बहुत ही शुद्ध और देसी घी की है, शुद्धता का प्रमाण देख लीजिए। चप्पलें सब कुछ सेवादारों की बाहर और फिर अंदर कारीगर काम करते हैं, तो इतना जो सफाई का ध्यान दिया जाता है। यहाँ सीताराम एवं श्री शनिदेव जी का स्वर्ग आश्रम और सत्संग चलता हुआ, राम राम का उच्चारण होता हुआ, यहाँ पे जो राम राम का उच्चारण हर हर गंगे, वो हर श्वास में रहता है, हर एक श्वास में। ये जी यहाँ पर हमारे देश से तो क्या विदेशों से भी काफी, हाँ ये चीज मैंने भी नोटिस करी है और मैंने सुना भी है, हमारे देशों के साथ साथ सब जगहों के, सब देश विदेश से भी काफी विदेशी जहाँ पे हम यहाँ पे ठहर ही चुके हैं, परमानेंट यहाँ पे रहते हैं, तो और कुछ जहाँ पे आके एज ए टूरिस्ट होकर जरूर जाते हैं, जब हमारे देश में आते हैं वो होकर जरूर जाते हैं। तो हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हाँ बिल्कुल, संस्कृति को जब ये बाहर के लोग अपनाते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है कि जो प्राचीन संस्कृति थी हमारी, सनातन धर्म, सनातन के प्रति लोगों का प्यार जो सत्य है जो हमेशा रहेगा। तो बस जो आप वीडियो वगैरह में देखते हैं परमात्म निकेतन, जहाँ पे ही संध्या आरती होती है, तो ये ही यहाँ पे ही हमारा ये घाट पे इस परमात्म निकेतन में संध्या आरती होती है। और यहाँ पे हम लोग अभी नीचे जाएंगे, इस घाट पे ही हम लोग शाम को बैठेंगे और आरती का अपना आनंद लेंगे और आपको अभी आरती दिखाएंगे। तो ये रहा गीता भवन, बहुत बड़ा आश्रम भवन, तो ये इसके ही साथ में गीता बरस वाले वस्त्र विभाग, ये उनकी दुकान है गीता भवन की, कपड़े की दुकान बिल्कुल गंगा किनारे, और उसके पास ही ये वस्त्र विभाग की दुकान। तो धोती और पटका लेकर हम लोग गीता प्रेस की दुकान से बाहर आ चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया भव्य दुकान है और जेन्युइन से रेट है और क्वालिटी वाइज भी अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों एक और क्या बोल रहे हैं, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हम लोग यहाँ पहुँचे थे ऋषिकेश में, जैसे मैंने कहा था कि आज शाम की संध्या आरती आपको कराएंगे, आरती तो ज़रूर होगी बट जो परमात्म निकेतन में मेन एंट्री थी वो कर दी उन्होंने बंद। बंद का कारण ये है, किसी को भी एंट्री नहीं, बंद का कारण ये है कि आज G20 वाले वहाँ पे उनको वहाँ आरती में बिठाया जाएगा और आरती कराई जाएगी। तो बाहर से आए फ़ौरन से एम्बेसडर्स, मंत्रीगण जितने भी हैं, इसलिए हर जगह पे सिक्योरिटी और SOG वगैरह लगी हुई है, तो जिसके कारण हमें आज एंट्री नहीं मिली और हम लोग यहीं से वापस होके अब डिसाइड किया गया है कि हरिद्वार से प्रसाद लेंगे और गंगा जी का गंगा जल लेकर घर की ओर निकलेंगे। तो दोस्तों ऋषिकेश में हमारा बस इतना ही था, धोती शायद हमारे नसीब में नहीं थी यहाँ पहनना। चलो फिर कभी आपको ऋषिकेश की यात्रा ऋषिकेश दिखाएंगे, आज के ब्लॉग में इतना ही था ऋषिकेश के, ऋषिकेश में। वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो दोस्तों गला बहुत ही ख़राब हो चुका है, बड़ी गंदी आवाज़ आ रही है। हम लोग पहुँच गए हरिद्वार में, हरिद्वार में सीधा अब हम लोग जा रहे हैं, आरती का समय हो चुका है, 7 लगभग बज चुके हैं, मैं सबसे आगे आ चुका हूँ क्योंकि बाकी वाले भी वेट कर रहे हैं। और पार्किंग में
गाड़ी लगा के मैं अभी जल्दी से जल्दी निकलूंगा ताकि आरती में जो आपको दिखा सकूं अपने गंगा जी की आरती। दोस्तों आरती के लिए ये फूल दिए जाते हैं वो ले लिए हैं और मुझे जल्दी जल्दी भाग के जाना पड़ रहा है क्योंकि 7 बजे जो है आरती शुरू हो जाती है। और जो व्यू मुझे चाहिए वो बरना जाए इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। उस घाट पे पहुंच के मैं आपको प्रॉपर आरती का जो व्यू है वो दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए, कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, पूरी आपको जो आरती है वो दिखाई दी जाएगी। तो देख सकते हैं कितना जो ब्लॉक हुआ है, आरती कवर करने आए थे तो आरती बस इसी घाट में होगी पीछे हमारे, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा आरती करने के लिए, आरती आपको दिखाने के लिए। दोस्तों बने रहे, देखते क्या जुगाड़ लगता है। जय तो दोस्तों जुगाड़ लगा के हम बस अंकल जी के साइड में खड़े हो चुके हैं। अंकल जी कहाँ से हो? हरिद्वार। हरिद्वार से रहने वाले हो? नहीं, जोधपुर। जोधपुर, ये जोधपुर से आए हैं और ये भी गंगा आरती देखेंगे हमारे साथ, हम इनके साथ। और अभी कुछ ही मिनटों में आरती यहाँ शुरू होगी और आपको दिखाएंगे। आप जू ही बने रहें इस वीडियो में, बहुत ही आनंद आने वाला है। जो आरती हम लोग ऋषिकेश में मिस कर गए G20 की वजह से, और वो ही आरती हमने गंगा जी की आज अब हरिद्वार में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा भारत देश, आज कोई भी जातिवाद के लोग अलग अलग नहीं बिठाए जाते, ये है भारत देश की संस्कृति और ये है सनातन धर्म, जहाँ कोई ऊंचा नीचा, आरती करने का समान अधिकार, देखने का समान अधिकार सब लोगों को है। जहाँ पे ब्राह्मण को ये नहीं कि आगे बिठाओ, दूसरे धर्म जाति को पीछे बैठाओ, ऐसा नहीं किया गया। जातियों में लोग तो खुद बट गए, भगवान के दरबार में कोई नहीं बटा। यह है हमारा देश और हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म सिखाता है। यहाँ सब धर्म, हिंदू धर्म के लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं गंगा मैया की आरती का। यही हमारा देश सिखाता है, यही सनातन धर्म सिखाता है। जो लोग धर्म के नाम के, जाति के नाम पे बढ़ते हैं, एक बार उनको यहाँ गंगा आरती करके देख लेना चाहिए कि हमारा जो धर्म है वो अभी तक बटा नहीं, ना उसको बांटने की कोशिश करें। दोस्तों आप देख सकते हैं जो आरती गंगा मैया जी की है वो शुरू हो चुकी है, वो सामने वहाँ पे आरती गंगा घाट पे हो रही है, हर एक घाट पे यहाँ पे भी हो रही है, हर एक घाट पे हो रही है। तो आरती जो गूंजना जो शुरू हो चुकी है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आरती पूरी ख़त्म होके अब हम लोग यहाँ से स्नान करके, कुछ भोजन करके, रात का डिनर करके निकलेंगे अपने घर की ओर फाइनली। तो आज का और हमारा केदारनाथ, बद्री विशाल और ये ऋषिकेश का ट्रिप यहाँ आज ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। आगे का अपडेट घर पहुँच के मैं आपको बता दूँगा, लेट नाइट और अर्ली आवर्स में पहुँचेंगे घर में, तो हो सके मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, पर बहुत ही आनंदमय यात्रा रही। तो
आज का ब्लॉग यही खत्म होगा, आप सब बने रहे, बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, हरे हरे।